अस्सलाम वालेकुम आदाब दोस्तों, सत श्री अकाल। मैं अयूबी अयूबी सिंह मीडिया और इंडो गल्फ न्यूज की तरफ से आपकी खिदमत में आज हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, ये हमारा न्यूज चैनल जो है वो हम आपको हफ्ते की खबरें आपके सामने देते जाएंगे। हर हफ्ते में एक बार आपके सामने पूरे कुवैत की न्यूज आपको देते रहेंगे। दोस्तों, आज की जो पहली खबर है मैं आपके सामने लेकर आया हूं, वो खबर ये है कि रमजान के शुरू में ही हमारे यहाँ पर जो फरवानिया के गवर्नर है फैसल अल हमूद अल मलिक अल सबा, उन्होंने एक गेट टुगेदर, ईयरली गेट टुगेदर जिसको कहते हैं कि रमजान का एक गेट टुगेदर उन्होंने रखा, जिसमें सारे लोगों को मिलने का मौका उनसे मिला। बहुत से लोग आए, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका और सारे एम्बेसीज के एम्बेसडर्स वहाँ पर आए हुए थे और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम वो हुआ था जिसने सबको उनसे मिलने का मौका मिला। बहुत से लोगों ने उनके साथ फोटो भी खिंचवाए। ये एक अलग तरह का हमारे लिए एक्सपीरियंस था दोस्तों। ये थी हमारी आज की पहली खबर। और आज की दूसरी खबर की तरफ हम बढ़ते हैं कि जजीरा एयरवेज जो है, जजीरा एयरवेज ने अपने टर्मिनल 5 के 1 ईयर का सेलिब्रेशन किया, जो कि कल रात उनके डिपार्चर लॉन्च में हुआ। दोस्तों, वहां पर वहाँ के वीपी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ जजीरा, जो कि ग्राउंड ऑपरेशंस में हैं, जनाब नासर अल उबैद, वो आए हुए थे और बहुत सी डिग्निटरीज वहाँ पर आई हुई थी और ख़ास तौर से इंडियन और दूसरे लोग जो ट्रैवल एजेंट्स थे वो भी बहुत से वहाँ पर पहुँचे थे। बहुत बड़ी बड़ी हस्ती आई हुई थी और उन्होंने एक छोटी सी पार्टी वहाँ पर, एक सेलिब्रेशन, 1 ईयर कंप्लीशन का एनिवर्सरी उन्होंने मनाया था। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ। दूसरी हम आपके सामने बात रखते कि जैसा आप जानते ही हैं दोस्तों कि एक जैसे कि होता है पुलिस जो हम सब की मदद करती है और ख़ास तौर से कुवैत की पुलिस, जिनकी मिसाल हम हमेशा आपको देते रहते हैं, उनकी और एक मिसाल हमारे सामने आई कि पिछले हफ्ते यहाँ की पुलिस ने लोगों को अफ्तार किट बांटी, जबकि लोग रोड पर जब जा रहे थे तो उन्होंने अपना एक जो इंसानियत का एक जो पैगाम होता है वो पहुंचाते हुए लोगों को अफ्तार किट बांटी। तो इस तरह से यहाँ की पुलिस जो है, कुवैत की पुलिस हमारे लिए काम करती है और हम लोगों के लिए हमेशा हाजिर रहती है। ये भी और एक मिसाल थी। दूसरी और एक खबर दोस्तों आपको बताएं कि ये है कि फीमा, फेडरेशन ऑफ इंडियन मुस्लिम एसोसिएशन, ने एक अफ्तार पार्टी मनाई जो कि क्राउन प्लाजा में हुई 14 मई को, जिसमें कुवैत के बहुत से कुवैती हजरात भी आए हुए थे और हमारे फीमा के सारे मेम्बरान और दूसरे जो एसोसिएशंस है उसके सारे मेम्बरान भी वहां पर आए हुए थे। बहुत बड़ी पार्टी उन्होंने रखी हुई थी जिसमें ख़ास तौर से जो हमारे खुसूसी मेहमान थे, हिज एक्सीलेंसी जीवा सागर जी, वो उसके खुसूसी मेहमान थे और बहुत अच्छी अच्छी बातें वहाँ पर हुई और बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स भी वहाँ पर हुए रमज़ान और रोज़े के मुताल्लिक, जिसमें जीवा सागर ने भी अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि रमज़ान या रोज़ा एक ऐसी मिसाल है जो लोगों को जोड़ता है और इंसानियत का पैगाम देता है और लोगों के लिए एकजुट होने का या दोस्ती बनाने का या एक दूसरे से मिलने का जो एक मौका होता है या खुश रहने का। जैसे कि उन्होंने कहा कि कुवैत के लोग बहुत खुश रहते हैं और वो खुशी का इजहार इस तरह से करते हैं कि जो आए हुए एक्सपर्ट जो है, जैसे हम जैसे लोग हैं हिंदुस्तान, पाकिस्तान या दूसरी जगहों से जहाँ पर आए हुए लोग हैं, उनके साथ भी वो खुशी से पेश आते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि रमज़ान का एक ऐसा उन्होंने पैगाम दिया कि ये खुशी का मौका और एक दूसरे को खुश रखने की जो आदत है हमारे कुवैत की और कुवैत गवर्नमेंट की, उसके लिए भी उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया। हम सारे इन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि ऐसी पार्टियां अगर होती रही और ऐसे लोग आपस में मिलते रहे तो हमको एक दूसरे से इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा। और एक न्यूज़ हम आपको बताते हैं कि बहुत अच्छी एक खबर ये आपको बताते हुए हमें खुशी होती है कि पाकिस्तान डोनर क्लब ने एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा था दोस्तों अब्बासिया में पिछले ही हफ्ते। बहुत ही अच्छा वो कैंप था कि रमज़ान के महीने में उन्होंने ये ब्लड डोनेशन का कैंप रखा और ये देखा गया वहाँ पर कि वहाँ पर सारे लोग आए हुए थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इंडियन, पाकिस्तानी, इजिप्शियन,
सब लोग मिलके लोगों ने ब्लड डोनेट किया, ये एक बहुत बड़ा इंसानी जज्बे के लिए काम आता है, क्योंकि जो ब्लड डोनेशन दे रहे हैं वो ब्लड बैंक में जाता है और देने वाले और लेने वाले को पता ही नहीं चलता है किसका ब्लड है, लेकिन सारे लोग दुआ के हकदार हैं और सवाब के हकदार हैं। उसके बाद और एक न्यूज़ दोस्तों हम बताना चाहेंगे आपको कि रमज़ान के महीने में जो कुवैत की पुलिस है उन्होंने जितने भी मस्जिदें हैं उनकी सिक्योरिटी बहुत ही अच्छी की है, बढ़ा दी है, ताकि कुछ अनहोनी न हो। तो हम भी ख्याल रखें कि ऐसा कुछ न हो और हम सतर्क भी रहे, इसके लिए हम कुवैत पुलिस का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमेशा लोगों की ऐसी मदद करते हैं। और आखिर में आपको बता दूं कि हिंदुस्तान की जो सरकार है मोदी सरकार फिर एक बार आई है पूर्ण बहुमत के साथ में, वो जीत चुकी है और अब दूसरे टर्म के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तैयार है और उनके साथ साथ पूरी बीजेपी पार्टी उनके साथ साथ है और ये एक बहुत बड़ा मैंडेट उनको मिला हुआ है। तो हम उनको वापस से मुबारकबाद भी देते हैं और ये आज की हमारी खबर, ये जो न्यूज़ है हफ्ते की, इसको हम खत्म करते हैं। हर हफ्ते आपके सामने ऐसे ही आते रहेंगे और आपको कुवैत की और पूरे देश की या दुनिया की जो खबरें हैं वो आपको हम बताते जाएंगे। आपको अगर कुछ सवाल हो, आपके पास कुछ खबर हो तो आप हमें से शेयर कर सकते हैं, हम उनको बताएंगे। हमारा मोबाइल नंबर आप ध्यान में रखें 5177-1933 और हमारा जो नंबर है वो है 9884700898 9884700908। इस पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, अपने मैसेज को भी शेयर कर सकते हैं। और अगर कुछ फोटोग्राफ्स हो जो पूरे हफ्ते में आपको कुछ ऐसे मिले तो वो फोटोग्राफ्स भी हम पे शेयर कर सकते हैं ताकि हम वो हमारे न्यूज़ में डालें और आपके कट्सी भी हम उसमें डालेंगे। आपका नाम ज़रूर उसमें डालिएगा कि ये फ़ोटो कौन भेज रहा है और कहाँ का है। थैंक यू, धन्यवाद हमको लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए। और हम आपसे इल्तमास और आजिज़ाना इल्तमास करते हैं कि हमारे इंडो गल्फ न्यूज़ को भी इसी तरह लाइक कीजिए जैसा आप सिंह मीडिया को लाइक करते हैं। दोस्तों अब हम इजाज़त लेते हैं, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आपसे एक अलग न्यूज़ और दूसरी हफ्ते की न्यूज़ लेकर। थैंक यू।